एक अच्छे बाप के लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का ये पहलू भी उसके सामने हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो इंसानी तजुर्बों की बुनियाद पर नहीं, वो अलीम खबीर बसीर हकीम ज़ात की तर्ज़ अमल तर्ज़ ज़िंदगी का अता करदा निज़ाम है। आपकी ज़िंदगी उसका आईनादार है। इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लिए और उसकी कामयाबी के लिए इससे बेहतर तरीक़े ज़िंदगी हो ही नहीं सकता। आप अलैहिस्सलाम एक वालिद हैं, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, बेटी भी दी हैं, बेटियां भी दी हैं। औलाद के सिलसिले में एक इस्लाम का बहुत बुनियादी नज़रिया है और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में और औलाद और बाप के इस ताल्लुक में वो बुनियादी नज़रिया हर जगह नज़र आएगा। और वो नज़रिया ये है कि बाप की जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है औलाद की तरबियत। और वो नज़रिया ये है कि औलाद एक सरमाया है, एक दौलत है, ये सदका जारिया है, ये निजात का ज़रिया है, ये बहुत शानदार खेती है, इसे परवान चढ़ाना है, इसकी हिफाजत करनी है, कल इसका फल आएगा। ये बुनियादी नज़रिया है औलाद के सिलसिले में। ये कोई पुर्जा नहीं है किसी मशीन में फिट करने के लिए इसे तैयार करना है, किसी दफ्तर में इसे फिट कर देना है, किसी मादी नक्शे में इस पुर्जे को फिट कर देना, ये कोई पुर्जा नहीं है। ये बहुत बड़ा सरमाया है, सदका जारिया है, बहुत बड़ी दौलत है। बल्कि एक बाप को अल्लाह अक्ल व शऊर दे तो उसे समझ में आए कि औलाद से बड़ी चीज कोई है नहीं जिसमें वो सरमायाकारी करे। ये सरमायाकारी का सबसे बड़ा मैदान है। तो औलाद का बाप से ताल्लुक, बाप का औलाद से ताल्लुक में ये बुनियादी पहलू सामने रहे।